Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua jo zindagi ka rang hi badal de. Dua jo tamam mehroomiyon se nijaat de. Dua jo aapko har kisam ke kaale peele jadoo se nijaat de. Dua ek paakiza jazba dard ka husn. 2003 mein jab maine pehli dafa Qalandar Pak rahmatullah alayh ke bataye hue tareeke se dua ki, that was the first time that I actually felt Allah's presence. Aur mujhe aisa mehsoos hua jaise Allah taala waqai hamari shehrak se bhi zyada qareeb hain aur hamari dil ki dhadkan mein baste hain. Qalandar Pak rahmatullah alayh ka bataya hua ye chhota sa simple yet so empowering jo tareeka wo na pehle kabhi suna tha na kabhi experience kiya tha, aur ye mere liye ek motivation thi to know more about Qalandar Pak rahmatullah alayh. Dua ka faiz Qalandar Pak rahmatullah alayh ne tamam dukhi pareshan mali taur par badhal musibat zada bimar aur jin jadoo ke shikar logon ke liye dua ka faiz har khas awam ke liye jari kiya. Muslim pe bhi wohi asar ho raha hai jo ek musalman pe hota hai. Maashre mein humne tabdili lani hai aur is pe koi kharch nahi hota, seena paseena pahunchana hai. To main dua ka tareeka practical karke dikhaunga ki ye kya hoti hai. Dua jazbon ka naam hai, pyar ka naam hai, dard ka naam hai, bin maange barsaat. अगर इंसानियत को जिंदा देखना है तो आप सिर्फ तीन बार अल्लाह कहेंगे, अपने दिल में कहेंगे, आंखें बंद करके कहेंगे, इतने प्यार से कहेंगे, उसमें खलूस डाल के कहेंगे, जैसे अपने बच्चे को बुलाते हो तो तुम्हारे लूम लूम एक लहर दौड़ जाती है प्यार की, या माँ को बुलाते हो इस तरह अल्लाह को भी पुकारना है तीन बार सिर्फ, और रिजल्ट सामने होगा. आंखें बंद रखें जी, बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में पेश होते हैं जी. Qalandar Pak रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीका सिखलाया है, आपकी तमाम ज़रूरतें, ख्वाहिशात, मसाइल, मुश्किलात, वो सब अल्लाह जानता है. आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है, पेश होना शर्त है, रूबरू होना शर्त है, इस ख्याल से कि अल्लाह देख रहा है, रहमत फरमा रहा है, शफकत फरमा रहा है, करम की बारिश बरसा रहा है. दिल की धड़कन को सुने, और आज इस दिल की धड़कन को सुनने के लिए अपनी तमाम ज़मीर से, अपने जहन से और अपने नफसी बोझ को ज़रा बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत के साथ, चंद लम्हे यकसुई के साथ, उस प्यार के साथ, उस खालिक अज़ीम की मोहब्बत के लिए तीन बार दिल में बड़े प्यार से अल्लाह 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 कहें, और फिर डूब कर जो भी दुआ आपने मांगनी है वो दिल ही से मांगे, तवज्जो यकसुई से मांगे. वो जब भी हमारी तवज्जो बढ़ती है और हमारे पर वसवसे और ख्वाहिशात गालिब आती हैं, हमारा राबता टूट जाता है और हम दुआ मांग नहीं सकते, तो कसूर हमारा होता है. यही Qalandar Pak रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है. लिहाजा पेश होते हैं जी उसी मोहब्बत, उसी पर खलूस और प्यार के साथ. सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, सांस को नॉर्मल करें, खुद को अल्लाह इज़्ज़ुल के रूबरू महसूस करें. अल्लाह देख रहा है, रहमत फरमा रहा है, करम की बारिश बरसा रहा है. अल्लाह की रहमत का नूर
आपकी धड़कन को रोशन कर रहा है। अब आप इसी धड़कन से 3 बार अल्लाह 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 कहें, इतने प्यार से पुकारें जैसे मां को पुकारते हैं। अब पूरी यकसुई दर्द और हजूरी के साथ इसी धड़कन से जो भी दुआ मांगनी है मांग लें, और जान लें कि दुआ जरूर कबूल होगी। आपने अगर दर्द से दुआ मांग ली तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। ये दुआ आप रात सोने से पहले 7 रोज तक मांगे। हर दफा दुआ मांगने के बाद आधा गिलास पानी इस तरह पिए कि गिलास को हाथ में पकड़ें, आंखें बंद कर लें, खुद को अल्लाह इज्जुजल के रूबरू तसव्वुर करें, दिल की धड़कन से 3 बार अल्लाह 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 कहें और फिर बंद आंखों के साथ 3 घूंट या 3 सांसों में पी लें। दुआ की कबूलियत कि पिएंगे पानी का जाका आप जमजम हो जाएगा, पानी आप शफा बन जाएगा। तमाम लोग इसे प्यार मोहब्बत और जज्बे के साथ करें और हर किस्म की बदबख्ती और नहुसत से निजात पाएं। 7 दिन के बाद आप किसी भी दुखी परेशान बीमार को दुआ करा सकते हैं। दुआ करवाने का तरीका, आंखें बंद करेंगी और तसव्वुर मानेंगी कि रब्बुल इज्जत के रूबरू पेश है और आप पे रहमत की बारिश बिला तमीज हो रही है और आपके अंदर से जो रोशनी नूर निकल रहा है रब्बे जलील की अजमतों का कर्म का, उससे सारे लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। आपने पेश होना मांगना कुछ नहीं है, हाथ नीचे रख के मेरे को उठाने की जरूरत नहीं है, आप पेश रहे और जब मैं कहूँगा उस वक्त आके खोल दें। और आप सारे हजरात जितने भी बैठे हैं वो ये तसव्वुर बांधे कि रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हो चुके हैं, वो आपको देख रहा है, आपकी शहादत के करीब है, आपके दिल के अंदर मौजूद है, अपनी अपनी दुआ मांग ले। जो दिल है किसी का करता अपने मसले उसको डायरेक्ट पेश करे। दुआ में शरीक तमाम लोगों को अल्लाह इज्जुजल के रूबरू पेश होने का बताएं, फिर सब अपनी अपनी धड़कनों को सुने और उससे 3 बार बहुत प्यार से अल्लाह 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 कहें और फिर दिल में ही डूबकर धड़कन से एक दर्द के साथ अपनी दुआ मांगे। दुआ करवाने वाले के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह इज्जुजल के रूबरू पेश हो और आंखें बंद करके पूरी यकसुई से दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहे। अब अल्लाह की रहमत का नूर उसके सीने को रोशन करता हुआ तमाम दुआ मांगने वालों को रोशन कर रहा है और उनको शफा दे रहा है और उन पर रहमत फरमा रहा है। दुआ के बाद सबको आधा आधा गिलास पानी बताए हुए तरीके के मुताबिक पिलाएं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो करता है अल्लाह करता है, वो जैसे चाहता है जब चाहता है, जो चाहता है करता है और वो ही करने वाला है। वारिस कलंदर।